बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको टेस्टी फूड विद जिया में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जिंगर चिकन रैप्स विद टूटीलास, जिसके लिए हमने सबसे पहले बोनलेस चिकन ली है और उसके हमने जो है वो जूलियन कटिंग कर ली है। हाफ के जी चिकन ली है, हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून हमने लहसुन लिया है क्रश्ड हुआ हुआ, 1 टी स्पून हमने पिसी हुई मिर्च ली है और 1 अंडा लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें पहले पिसी हुई मिर्च डालेंगे, नमक, लहसुन डाल देंगे, अंडा डाल देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम टूटीलास रेडी करेंगे। उसके सबसे पहले हम जो है वो उसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 कप जो है वो मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है 1/4 टी स्पून, 1/2 टी स्पून नमक लिया है और दूध लिया है हमने हसब ज़रूरत। अब हम डो रेडी करेंगे। सबसे पहले मैदे में हम जो है वो नमक डाल देंगे, बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, दूध डाल के गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे। इसके अंदर 1/2 कप दूध यूज़ हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे 5 मिनट्स तक। डो जो है वो रेडी है। अब इसको हम कवर्ड कर देंगे 15 मिनट के लिए, हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। चिकन की कोडिंग रेडी करेंगे। अब चिकन की कोडिंग के लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क बनाएंगे। बटर मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क लेंगे, 1/2 कप मिल्क लेंगे और 1 टेबल स्पून हम विनेगर लेंगे। ये 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें बटर मिल्क बनाने के लिए। अब ये सीजन फ्लोर, जिसके लिए हमने मैदा लिया है 4 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबल स्पून, लहसुन लिया हमने कुटा हुआ 1/4 टी स्पून और पिसी हुई मिर्च लिया 1/2 टी स्पून। अब हम बटर मिल्क रेडी करेंगे। सबसे पहले एक बॉल में मिल्क ऐड कर देंगे, विनेगर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब हम सीजन फ्लोर रेडी करेंगे। इसमें हम मैदा डाल देंगे, कॉर्नफ्लावर, लहसुन और कुटी हुई मिर्चें, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है और ये हमारा सीजन फ्लोर भी रेडी है। चिकन को रखे हुए 1/2 घंटा हो गया है, मैरिनेट हो गई है। इसको रखे हुए भी हमारा मिल्क जो बटर मिल्क बनाया था हमने, उसको रखे हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चिकन को कोट करेंगे। सबसे पहले एक चिकन का पीस लेंगे, उसको हम सीजन फ्लोर में हम कोट करेंगे। सबसे पहले फिर बटर मिल्क में, फिर दोबारा इसमें, और फिर हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरह सारे कोट कर लेंगे। चिकन कोट हो गई है। अब पैन लेंगे, उसमें ऑयल लेंगे, उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे, उस पर हम ये चिकन डालते जाएंगे। इसको आप टर्न कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे।
चिकन तल गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। फिफ्टीन मिनट्स हो गए आटे को रेस्ट पे रखे हुए। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। छोटी छोटी से बॉल्स बना लेंगे इसकी। साइड में रखते जाएंगे। पेड़ जो है वो रेडी है। पूरा मैदा टेस्ट करेंगे। एक पेड़ लेंगे और उसको बेल लेंगे। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। तवा गर्म होना चाहिए। बबल्स आ गए हैं, अब इसको हम टर्न करेंगे। तो रेडी हमारी टूटीलास, अभी आपके सामने हमने रेडी करी है। चिकन भी हमारी रेडी है। हमने मेयोनीज का सॉस बनाया, मेयोनीज ली थी, उसके अंदर चिली सॉस डाल के कुटी हुई मिर्च डाली है। ये हमारा सॉस रेडी है। बंद गोभी लेनी है और सलाद पत्ता, इसको हम असेंबल करेंगे। अब एक टूटीला लेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले सॉस लगाएंगे, सलाद पत्ता रखेंगे, चिकन रखेंगे, बंद गोभी रखेंगे, सॉस डालेंगे, और ऐसे सारे रेडी कर लेंगे। तो तैयार है हमारे यहाँ पे झींगा चिकन रैप्स विद टूटीलास। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इससे हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।